बलिया में तहसीलदार से बीजेपी नेता ने की गुंडागर्दी, तहसीलदार को बिठाकर सरेआम दे डाली गाली, विधायक मूक बनकर देखती रही तमाशा। क्या यही योगी आदित्यनाथ का अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश है? जब विधायक जी बोल दी क्या रुकी है तो तहसील तो रुकना पड़ेगा, तो दाग लगा देंगे हम तहसील में। नमस्कार साथियों, मैं ब्रजमोहन और आप देख रहे हैं जनित आवाज। साथियों, एक तरफ जहां यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपराधियों के प्रति सख्त रवैया का दावा करते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ यूपी के ही बलिया से एक ऐसी खबर सामने आई है जो बीजेपी और योगी सरकार के लिए गले की फांस बन चुकी है। जी हां साथियों, आपको बता दें, बलिया विधायक केतकी सिंह का एक वीडियो सामने आया है जो अवैध कब्जा हटाने के लिए बुलडोजर लेकर आए तहसीलदार को बुरी तरह से पटकारती हुई दिखाई दे रही हैं। आपको बता दें, क्षेत्र में तहसीलदार ने कोर्ट के आदेश पर एक घर पर बुलडोजर चलाकर उसका कुछ हिस्सा गिरा दिया था। इसकी जानकारी जब बीजेपी विधायक साहिबा को हुई तो वह अपने कार्यकर्ताओं के साथ मौके पर पहुंच गई और तहसीलदार को बुलडोजर चलाने पर बुरी तरह अपमानित करने लगी। केवल इतना ही नहीं, मौके पर पहुंची विधायक ने तहसीलदार से कहा कि अगर आप पूरा घर गिरा देते तो पूरी तहसील में आग लगा देती। साथियों, आपको बता दें, हम YouTube पॉलिसी के तहत पूरा वीडियो तो आपको नहीं दिखा सकते हैं, लेकिन इस वीडियो का कुछ अंश आप देखिए, फिर हम इस पर बात करेंगे। देखिए कैसे ये लोग तहसीलदार को गाली देते हुए साफ साफ सुनाई दे रहे हैं। आप पूरा घर धसा देते, उसे मतलब नहीं है। एक बार जब विधायक जी बोल दी क्या रुकी है तो तहसील को रुकना पड़ेगा, दाग लगा देंगे हम तहसील में। क्या समझते हैं आप? बोला पाल को बोला इसको नहीं, मैं विधायक समझते हैं आप? अब यार की कहानी और क्या समझते विधायक का मतलब? अभी रुका है इतना करने के लिए, सर इतना फर्स्ट तो सुना साथियों आपने, विधायक जब तहसीलदार को फटकार लगा रही थी तभी उनके कार्यकर्ता ने भी तहसीलदार से बेदबी की। उसने कहा कि अगर विधायक ने रुकने के लिए कह दिया तो तहसीलदार को रुकना पड़ेगा, नहीं तो तहसील में आग लगा देंगे। उसके बाद गालियां देते हुए तहसीलदार से लेखपाल को मौके पर बुलाने की बात कहने लगा। साथियों, आपको बता दें, इस प्रकार की घटना उत्तर प्रदेश से आना कोई अचंभे वाली बात नहीं है। सरेआम किस तरह से पुलिस में महिला दरोगा की हत्या हो जाती है, संदिग्ध परिस्थितियों में उसकी लाश मिलती है तो कभी कार्रवाई के लिए जाने वाली पुलिस महिला दरोगा पर हमला कर दिया जाता है, इस प्रकार की तमाम घटनाएं उत्तर प्रदेश से लगातार सामने आती हैं। साथियों, वैसे तो इस प्रकार के वीडियो खास करके उत्तर प्रदेश से सामने आने पर कोई अचंभा नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी राजनीतिक गलियारों में बीजेपी पर कई आरोप लग रहे हैं। इस वीडियो को समाजवादी पार्टी द्वारा सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए लिखा है कि सत्ता के जोर से जारी है भाजपाइयों की गुंडागर्दी। बलिया के सहतवार थाना क्षेत्र में सरकारी जमीन पर अतिक्रमण गिराने पहुंचे तहसीलदार को भाजपा विधायक केतकी सिंह के गुर्गों ने रोका। क्यों थम गया सीएम का बुलडोजर? जवाब दें सीएम। तो साथियों, समाजवादी पार्टी ने अपनी तरफ से विपक्ष का मोर्चा संभाल लिया है और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से सवाल कर रहे हैं कि आपका बुलडोजर क्यों थम गया, इसका जवाब जरूर दें। और साथियों, मैं आपसे भी कहना चाहता हूं, आपकी इस खबर पर क्या राय है, आप क्या सोचते हैं, अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अभी के लिए इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, आप देखते रहिए जनता आवाज। नमस्कार।